इस बार रवि के कॉलेज में 2 महीने की छुट्टियां थी, इसलिए उसने सोचा कि इस बार वह अपने नाना के पास जाएगा। पिताजी, इस बार छुट्टियां मनाने नाना जी के गांव जा रहा हूं मैं। नहीं रवि, चाहे तुम अपने बुआ के घर जाओ, चाहे तुम अपनी मासी के घर जाओ, लेकिन मैं तुम्हें नाना के घर नहीं जाने दूंगा। वहां जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्यों? आप हर साल मुझे बस यही कहते हैं, और अब मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, कॉलेज जाता हूँ मैं। ऐसा वहाँ क्या है जो मेरे लिए ठीक नहीं है? इस तरह रवि अपने नाना के गांव जाने के लिए बहुत ज्यादा जिद करने लगा और कहने लगा कि अगर उसे नाना जी के पास नहीं जाने दिया तो वो घर से भाग जाएगा। तुम्हारा वहाँ जाना इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि तुम्हारे नाना जी के गाँव के पास एक पहाड़ी है, उसकी गुफा में एक धुंध का दानव रहता है। वह हर रात को गाँव में घूमता है और अपनी शक्ति से वो पूरी जगह में धुंध फैला देता है, और उस धुंध के कारण आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वो दानव धुंध में फंसे लोगों को उठाकर अपनी गुफा में ले जाता है और मार देता है। उस दानव से वहां का बच्चा बच्चा डरता है। अगर वो धुंध का दानव तुम्हें भी ले गया तो हम क्या करेंगे? इसी डर के कारण मैं तुम्हें वहां नहीं जाने देता। रवि अपने पापा की बात पर विश्वास नहीं करता है और हंसते हुए कहता है, क्या पिताजी, आप भी भूतिया फिल्मों जैसी बातें कर रहे हैं। भला धुंध का भी कोई दानव होता है क्या? मुझे तो ये कहानी से ज्यादा कुछ नहीं लगा। अगर सच में धुंध का दानव होता तो नाना जी अब तक जीवित कैसे हैं, बताइए। लेकिन पिताजी, आप चिंता करना बंद कर दीजिए, मैं खुद अपना ध्यान रख सकता हूँ। अगर सच में धुंध का दानव है तो मैं घर में ही रहूंगा और नाना जी को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। इस तरह जिद करके मम्मी पापा को नाना के गाँव जाने के लिए मना ही लेता है, और अगले दिन ही रवि अपने नाना जी के गांव निकल जाता है। एक तांगे में बैठकर रवि सोचता है कि गांव जाने का रास्ता इतना खूबसूरत है तो गांव कितना खूबसूरत होगा। लेकिन जब रवि गांव में पहुंच जाता है तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि गांव में सारे घरों का रंग काला होता है। ये कैसा गाँव है? ये लो, तुम्हारे नाना जी का घर आ गया। मैं यहाँ बगल के घर में ही रहता हूँ, वक्त मिले तो मिलने आ जाना है। फिर रवि नाना जी के घर चला जाता है और जाते ही अपने नाना जी से गांव के बारे में पूछने लगता है। नाना जी का गांव तो बड़ा ही अजीब है, यहाँ सारे घरों के रंग काले क्यों हैं? और यहाँ पर सच में धुंध का दानव है? बेटा, इतने सालों के बाद आया है और आते ही तूने सवाल शुरू कर दिए। तू नाना के घर आया है, पहले दूध मलाई खा, थोड़ा मोटा ताजा हो, फिर आराम से बैठ कर बातें करेंगे। रवि अगले दिन फिर से अपने नाना जी से धुंध के दानव के बारे में पूछता है तो नाना जी उसे बताना शुरू करते हैं। उस पहाड़ी की गुफा में धुंध का दानव रहता है। जब भी वो भूखा होता है तो रात में वो गांव में आता है और लोगों को उठा कर ले जाता है। एक बार एक बाबा जी गांव में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर उस दानव से बचना है तो घरों पर काला रंग कर दो और रात में रोशनी मत करना। उसके बाद से गांव में कोई भी रात में घरों में रोशनी नहीं जलाता, नहीं तो दानव की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें अपनी धुंध में समा कर ले जाता है। लेकिन रात को रवि अपने कमरे की लाइट बंद करना भूल जाता है और थोड़ी देर बाद उसे अचानक ही ठंड लगने लगती है। तभी उसकी नजर खिड़की की तरफ गई। उसने देखा कि खिड़की में 2 बड़ी-बड़ी लाल आंखें उसे देख रही थी। कौन है जो आज मेरी दावत बनेगा? स्वादिष्ट दावत। चल आज तुझे बादलों की सैर कराता हूँ। धुंध के दानव को सामने देखकर रवि बहुत ज्यादा डर जाता है। रवि को पकड़ने के लिए धुंध कमरे में आने लगती है, पर तभी नाना जी जल्दी से आकर घर की लाइट बंद कर देते हैं। कब तक जान बचाओगे? आखिर मैं तो तुम्हें मेरे पेट की ही सैर करनी है। कोई बात नहीं, आज मैं किसी और को बादलों की सैर कराता हूँ, तेरी दावत कल कर लूंगा। और थोड़ी देर बाद दानव वहाँ से चला जाता है। मैंने तुमसे कहा था कि रात में रोशनी करने की भूल मत करना, लेकिन तुम नए जमाने के बच्चे हमारी बात मानते कहाँ हो? अगर मैं समय पर नहीं आता तो अब तक उस दानव ने तुम्हारा वड़ा पाव बना दिया होता।
लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। रवि नाना जी से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो नाना जी। वैसे नाना जी, अगर ये धुंध का दानव इतना खतरनाक है तो अब तक गांव वालों ने इसका कोई उपाय क्यों नहीं किया? गांव वालों ने बाबा जी को उपाय पूछा तो उन्होंने अपनी शक्ति से एक त्रिशूल सिद्ध किया और गांव वालों को दे दिया। सिर्फ उस त्रिशूल से ही दानव को मारा जा सकता है, लेकिन धुंध का दानव बहुत ताकतवर है। जो भी त्रिशूल लेकर उसके नजदीक जाता है वो दानव उसे पहले ही मार देता है, इसलिए आज तक उसे कोई नहीं मार पाया है। रवि बेटा, आज रात को लाइट बंद करना मत भूलना। रात में फिर से धुंध का दानव आता है, लेकिन गांव में किसी के भी घर में रोशनी नहीं होती। आज गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? लेकिन तभी तांगे वाले के घर में एक सांप आ जाता है। तांगे वाला जोर जोर से चिल्लाने लगता है, सांप, अरे रे, अरे सांप आ गया, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, और डर कर घर की रोशनी चालू कर देता है। और तभी उसके घर में चारों ओर धुंध ही धुंध हो जाती है। जिससे किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। ए तांगे वाले, अपने परिवार से ढंग से मिल ले, क्योंकि इसके बाद तू सीधा मेरी थाली में होगा। और तांगे वाले को उठाकर अपनी गुफा में ले जाता है। तांगे वाले की चीखने की आवाज सुनकर गांव वालों की नींद खुल जाती है और दानव के जाने के बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं। आज फिर एक आदमी उस दानव की भूख का शिकार हो गया। थोड़े दिनों बाद वो हमें भी खाकर डकार लेगा। इसलिए भाइयों, मैं तो कहता हूँ कि अब इस गांव को छोड़ने में ही भलाई है। अरे भाई, हमारी जमीन, खेत, ये सब तो गांव में ही है, ऐसे कैसे छोड़ दे हैं? मेरे भाई, जब वो शैतान तुम्हें पचा जाएगा ना, उसके बाद तुम्हारा भूत खेती करेगा क्या यहाँ पर है, बताओ? इसलिए कह रहा हूँ, उस दानव को फिर से भूख लगे उससे पहले ही भाग निकलते हैं। रवि डरे हुए गांव वालों की बातें सुन रहा होता है। तभी उसकी नजर तांगे वाले के घोड़े पर पड़ती है, जो घर के बाहर बंधा हुआ होता है। उसे देखकर रवि नाना जी से पूछता है, नाना जी, धुंध के दानव को इतनी भूख लगती है तो उसने अब तक इस घोड़े को क्यों नहीं खाया? बात तो तेरी सही है, ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया है। उसने इस घोड़े को इसलिए नहीं खाया क्योंकि घोड़े का रंग काला है, और उस रात जब मैं लाइट बंद करना भूल गया था तब भी उसने मुझे कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने उस रात काले रंग की कंबल ओढ़ रखी थी। मतलब उस दानव को काला रंग नहीं दिखता है। बाबा जी ने भी इसलिए ही घरों पर काला रंग करने को कहा होगा। नाना जी, अब उस धुंध के दानव को सिद्ध त्रिशूल से मैं मारूंगा और किसी को भी गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। फिर रवि मंदिर से सिद्ध त्रिशूल लेकर खुद को काले कंबल से पूरी तरह ढक देता है और तांगे वाले के घोड़े पर बैठकर गुफा की तरफ चला जाता है। जब रवि धुंध के दानव की गुफा में पहुंचता है तो वह देखता है कि दानव ने तांगे वाले को गले से पकड़ रखा होता है। तुम काफी सूखे हो, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं सिर्फ नाश्ता करके ही काम चला लूंगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम इंसानों की वजह से मुझे कई सालों तक इसी गुफा में कैद रहना पड़ा है, इसलिए अब मेरी भूख सिर्फ इंसानों को खाकर ही खत्म होगी। ए दानव, अब तू किसी भी इंसान को नहीं मार पाएगा, क्योंकि आज का दिन तेरा अंतिम दिन है। और यह कहते हुए त्रिशूल को दानव के शरीर में घुसा देता है। और वह दानव मरकर धुंध बन जाता है। इस तरह रवि ने अक्लमंदी से धुंध के दानव का अंत भी कर दिया और तांगे वाले को भी बचा लिया। उस दिन के बाद से लोग घरों को कलर करने लगे और रात को रोशनी भी जलाने।